Dear students, in this topic we shall discuss the smooth muscles. Smooth muscle fibers are the least specialized muscle fibers. They have a myosin that is similar to that found in non muscle contractile cells. This primitive ki myosin, hai, jo ke smooth muscles. Mein these muscle fibers are non-striated and are also involuntary that is under the control of autonomic nervous system these cells contact and relax very slowly and are capable of, uh, capable of more sustained contractions without getting fatigued Dear students, smooth muscle fibers are of two types: single unit smooth muscles and multi unit smooth muscles. The single unit smooth muscles have cells that are small, spindle shaped, and mononucleate. In cells, me single nucleus found. Dear students, the single-unit smooth muscles are found in the walls of visceral organs, for example, the alimentary canal, urinary bladder, ureters, and uterus. Neurons synapse onto only few single-unit smooth muscle cells.

स्मूथ मसल के सिंगल यूनिट स्मूथ मसल के वो आपस में इलेक्ट्रिकली कंडक्टेड गैप जंक्शन के थ्रू अटैच हैं यही वजह है कि अगर सिर्फ चंद सेल्स एक्साइट हो जाते हैं और उनमें कॉन्ट्रेक्शन होती है तो दिस कॉन्ट्रेक्शन स्प्रेड टू ऑल सेल्स सो द दल स्मूथ मसल मैस इज कॉन्ट्रेक्टेड स्टूडेंट्स the in multi unit smooth muscles each cell is individually innervated by nerve supply so each cell acts independently each cell contracts only when it receives its own synaptic input मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स की एग्जांपल्स हमें uh, मिलती हैं मसल्स ऑफ द आयरस ऑफ आई में आई के अंदर जो आयरस है उसके साथ जो अटैच मसल्स हैं वो मल्टी यूनिट मसल्स हैं और इसके अलावा ब्लड वेसल की वॉल्स में जो स्मूथ मसल्स हैं वो भी मल्टी यूनिट मसल्स हैं डियर स्टूडेंट्स स्मूथ मसल्स में एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग डिफरेंट मैकेजम से होती है एज कंपेयर टू दिलटल मसल ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं दे हैव वेरी पुअरली डिवेलप्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो के स्केलेटल मसल में मेजर रोल प्ले करती है एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग में इनके पास वो ज्यादा डेवेलप्ड नहीं है इन सेल्स में यानी स्मूथ मसल के सेल्स में कैल्शियम रेगुलेटिंग एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय द प्लाज्मा मेम्रेन जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन्स की तरह से एक्ट करती है इन सेल्स में स्मूथ मसल सेल्स आल्सो लैक ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन सो जो एक्टिन बाइंडिंग है दैट इज परफॉर्म बाय एन एलोंगेटेड प्रोटीन विच इज कॉल्ड कार्लॉडेस्मोन ये एक्टिन के साथ बाइंड करके रहती है और एक्टीन मायोसिन इंटरक्शन को रोकती है सो इट इनहेबिट्स मसल कॉन्ट्रेक्शन जब एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग होनी होती है तो एक्साइटेशन के वक्त कैल्शियम आइन्स बाइंड टू ए प्रोटीन विच इज कॉल्ड कालमोडोलिन कैल्शियम कॉलमोडोलिन कॉम्प्लेक्स बनता है और ये कॉम्प्लेक्स जाके काल्डेस्मोन के साथ बाइंड करता है जिससे काल्डेस्मोन में चेंज आती है और एज ए रिजल्ट इट रिमूव द इनहिबिशन ऑन एक्टिन मायोसिन इंटरक्शन एंड कॉन्ट्रेक्शन बिगिनस